साथियों नमस्ते। आज हम लोग भागलपुर में बीरपुर एक विधानसभा है, बीरपुर विधानसभा में ये जो बिहार के इलेक्शन को लेकर आज गौतम भाई से बातचीत है। और हमारा ये अच्छा संयोग था कि इसी समय में हमको भागलपुर आना पड़ा। और इस चुनाव के लिहाज से जो पहले से हम लोग तय था कि हम लोग गौतम भाई के चुनाव प्रचार में यहाँ पर आएंगे, और संदीप जी इसके पहले भी आ चुके हैं। और जब नॉमिनेशन था जो है, और नॉमिनेशन के वक्त में रुके थे, और उस समय हम कई साथी लोग यहाँ पर आए हैं। तो आज हम लोग खास तौर पर सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार गौतम प्रीतम जी से सबसे पहले तुमको बधाई देते हैं कि वो बीरपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, और आज उनको एक डाक निशान उनको फिर से दोबारा डाक निशान मिला है। तो हमारी यही उनसे यही रहेगा कि अपेक्षा रहेगी कि डाक की रोशनी पूरे बीरपुर से ले शुरू हो, पूरे बिहार में पहले जो सोशलिज्म का जो प्रभाव है उसका जो इस दौर में कोरोना युग में जो पूरा नेचर लेबर एग्रीकल्चर पर जो बहस हुई है वो तो बीरपुर एक मॉडल बने। तो मैं चाहूंगा कि गौतम भाई से बात शुरू करते हुए सबसे पहले ही इनसे बात हो कि जो ये नॉमिनेशन हुआ और जो आज इनको चुनाव चिन्ह मिला है उसकी प्रक्रिया को लेकर और कैसे इस दौर में ये तमाम चीजों को कैसे देख रहे हैं, मैं चाहूंगा उसके बाद। धन्यवाद राजीव भाई। और जो तो जूम के माध्यम से और जो इस लाइव के माध्यम से देख रहे हैं आप सबको जिंदाबाद। सोशलिस्ट पार्टी के रूप में हम उम्मीदवार हैं। 2015 के भी उम्मीदवार थे। 2015 की उम्मीदवारी में भी हमने काफी संघर्ष किया था, और आज फिर से इस बिहार विधानसभा के चुनाव में बीरपुर विधानसभा क्षेत्र 152 से उम्मीदवार हूँ। हम लोगों ने पहला नॉमिनेशन मैंने किया था यहाँ पर, और प्रथम मेरा नॉमिनेशन हुआ। और फिर 20 तारीख को स्क्रूटनी था, 19 तारीख में कई दो तीन जो है यहाँ पर उन्हें छाटा गया उम्मीदवारों को, लेकिन हमारी उम्मीदवारी बिल्कुल मजबूती के साथ टिकी हुई है। आज हम लोगों को चुनाव चिन्ह के रूप में बैटरी टॉर्च जो आप देखेंगे कि टॉर्च जला जाता है वो टॉर्च है, और ये टॉर्च का जो निशान है हमारे बीरपुर विधानसभा के लिए बहुत उपयुक्त है। आप बीरपुर विधानसभा में देखेंगे कि जो यहाँ चुनावी मुद्दे हैं वो चुनावी मुद्दे किसानों का, मजदूरों का, छात्रों का, बेरोजगारी का, पानी के, जो कोसी गंगा नदी के कटाव के कारण से जो विस्थापित है उनका, यहाँ जैसे कि हमारे इस बीरपुर विधानसभा में पहला महाविद्यालय नहीं है, पुरुष का भी दो दो प्रखंड में महाविद्यालय नहीं है, बड़ी आबादी है, 2,53,000 की आबादी है जिसमें 1,20,000 से अधिक महिलाएं हैं, और मैक्सिमम यहाँ पे जो नौजवान है। तो ये सब जो मुद्दा है जो भी वर्तमान में नीतीश और भाजपा की, जदयू और भाजपा की जो सरकार है धन्यवाद साथी, मेरी आवाज आ रही है। और जो जी विपक्ष आपकी है, आवाज नहीं जैसा आरजेडी जो विपक्ष है वो अपने विपक्ष की कोई भूमिका नहीं निभा रही है। वो अपने एजेंडा में अभी अभी उन्होंने कहा है कि जो दुर्गा पूजा है उसके संकल्प के साथ हम खड़े हुए हैं, वो जो कलश स्थापन के साथ संकल्प लिए हैं। तो जो हिंदुत्व का एजेंडा वो सामने लाना चाह रहे हैं, तो आप देखेंगे कि पूरा जो सांप्रदायिक सेकुलरिज्म का जो मामला है वो सांप्रदायिकता की ओर भाजपा के रास्ते ही, आरजेडी भी चल रहा, जदयू तो चल ही रहा था, तो जो इसके धुरंधर है भाजपा वो कभी भी आरजेडी को टिकने नहीं देगा। इसलिए हम लोगों ने एक
जो सामाजिक न्याय का हम लोगों ने लिया है नारा कि हम लोग जो समतामूलक समाज चाहते हैं, हमारा जो समाजवादी विचारधारा है इसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, चाहे आर्थिक गैर बराबरी हो उसको समाप्त करना, सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक तमाम तरह की गैर बराबरी जो है, स्त्री पुरुष का जो गैर बराबरी है, आदिवासी और ये जो अन्य हमारे साथी हैं समाप्त हो, उसको लेकर के हमारी लंबी लड़ाई रही है। उस राजनीतिक, उस सैद्धांतिक, उस वैचारिकी पर हम लोग पूरे इस चुनाव के दौर में। जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे, मैं बिहार में मुजफ्फरपुर और सिवान से होते हुए आ रहा था। यहाँ पर एक विस्फोट और भी ऐसे ही हो रहा है। अभी जो सांप थे उनको हार्ट एटैक में विस्फोट, लेकिन अभी एक यहाँ पे एक विस्फोट थे भी सांप का मिलता है हार्ट का मिलता है। कि अगर नीतीश जी को सीटें कम मिल जाएंगी तो वो 60 कम्युनिज्म सरकार फिर से महागठबंधन के तमाम दलों के साथ बनाएंगे। और फिर अगर नहीं ज्यादा सीटें मिल गई, बीजेपी अगर डाउन नहीं की तो फिर हार्ड कम्युनिज्म की तरफ से बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। तो ऐसे में जो ये बात आ रही है कि खास तौर पर महादलित और पिछड़ों का जुड़वा, अभी हम लोग जो सुबह जिस दिन से घूम के आ रहे थे वो अकेले की लगातार छुट्टी हो रही थी, और आप बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो महादलित और पिछड़ा वर्ग है उसके जो बहन बेटियों के साथ उसका ही नहीं और तमाम जो पुरुष वर्ग के साथ जो जातियां होती है। मैं चाहूंगा कि क्योंकि बिहार के संदर्भ में बात होती है और अति पिछड़ा और महादलित पे संदर्भ पे यहाँ बहुत बात होती है, और उसके आधार पे कोटे में कोटा को लेकर राजनाथ सिंह ने जो यूपी में जो डिबेट लॉन्च किया उससे बहुत बात हुई। तो क्या जो नीतीश जी ने जो अति दलित महा नवाबशाही है और अभी पिछड़ा और महादलित को इस 15 साल में क्या मिला? असल में नीतीश कुमार को तो बिहार में लोग पलटू राम कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं, वो अपने हमेशा अपनी बातों से पलट जाते हैं। आप शुरुआती दौर में देखेंगे, मैं आपको ले चलता हूँ 2007 में। तो 2007 में उन्होंने बिहार को एक नया बिहार बनाने का कल्पना लिया, न्याय के साथ विकास की बात करने की उन्होंने शुरुआती घोषणा की, और उन्होंने कहा कि हम गवर्नेंस को मजबूत करें। सबसे पहला उनका इंटरव्यू देता हम गवर्नेंस को मजबूत करें। गवर्नेंस को मजबूत करने में उन्होंने शिक्षा का एक आयोग गठित किया और उस शिक्षा समान स्कूल शिक्षा प्रणाली आयोग तो 8 जून 2007 को सबमिट कर दिया गया बिहार सरकार के सामने, लेकिन नीतीश कुमार उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। फिर एंटी बंदोपाध्याय कमेटी का रिपोर्ट हुआ भूमि सुधार को लेकर के, उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। फिर अचानक से जो है भाजपा से इनका दिल टूटा तो डीएनए खराब होने लगा। उन्होंने तो अपने डीएनए को पूरे बिहार के डीएनए से जोड़ा, बोरिया में भर भर करके यहाँ से लाखपाल जो है दिल्ली में नरेंद्र मोदी को भेजा गया, और लालू जी के साथ गलबैया किए, बड़े भाई छोटे भाई बने और सत्ता की कुर्सी पर पहुंचे। वहां पर उनके लिए अति पिछड़ा महादलित ये जो बंटवारा किया है, बंटवारा तो कर दिया लेकिन दलित महादलित बंटवारा करने वाला दलित को फायदा मिला है ना, महादलित को मिला है ना, पिछड़े को मिला है ना, अति पिछड़े को मिला है। हाँ, उनमें से कुछ ऐसे चाटुकार लोग हैं जिसको उन्होंने अपने फेवर में राजनीतिक लाभ दे करके, उसको पद वद का लाभ दे करके अपने साथ में वो घुमा रहे हैं। आप देखेंगे कि जो बिहार के अंदर रोजगार है वो रोजगार समाप्त है, ज्यादातर लोग यहाँ से पलायन करते हैं, बाहर मजदूरी करके कमाते हैं। यहाँ की जो इकोनॉमी है वो बिहार के मजदूरों के ऊपर टिका हुआ है, जो बाहर में मजदूरी करते हैं, बिहारी करते हैं, बाहर में बेइज्जती सहते हैं, और वहां से जो वो पैसा भेजते हैं मनी ऑर्डर करके बैंक के द्वारा जैसे भी, तो उसके ऊपर से बिहार का इकोनॉमिक चल रहा है। अगर बिहार में इकोनॉमिक बढ़िया करना है तो कृषि आधारित कोई उद्योग नहीं है, जो विलेज इंडस्ट्रीज की संकल्पना है बिल्कुल नहीं है। पूरा का पूरा बिहार के अंदर खादी का जो गांधी का सपना था, जो खादी का बात करते हैं, खादी ग्राम उद्योग की बात करते हैं, पूरा का पूरा धराशायी है, पूरा का पूरा चौपट है। कहीं भी आप देखेंगे, आप तो आज आपको ले गए थे एक गाँव औलियाबाद गाँव है, बरवापुरा पंचायत बिल्कुल प्रखंड के अंदर पूरा खंडर, राजीव जी ने उन्होंने उनका फोटो भी वहां साथ में खींचा। तो नीतीश कुमार हो या लालू यादव,
जैसे लालू यादव ने कहा भोला बाल साफ करो, तो भोला बाल साफ करो मतलब बुनियाद राजपूत बाबाजी लाला साफ करो, तो उनके ही चरण में वो है, उनकी जो राजनीतिक उनके जो पूंजीपति वर्ग है, उनके जो ताकतवर लोग हैं, उनके चरणों में वो पूरा का पूरा राजन समाया हुआ है। जेडीयू जो न्याय की बात कर रहे थे, पूरा का पूरा उसके सिस्टम में अन्याय की व्यवस्था है। देखेंगे शिक्षक और शिक्षकों में लड़ाई करवा दिया, मजदूर और मालिक में लड़ाई करवा दिया। आप कहते हैं कि किसानों को हम लाभ देते हैं, उनको मुआवजा देते हैं, तो जो बटाईदार करते हैं, जो खेती गृहस्थी करते हैं, उसको कहाँ मिलता है? वो तो लैंडलॉर्ड को मिल जाता है ना, जबकि पूंजी किसका लगा जो ठीका बट्टा में है, तो लाभ उसको नहीं मिलता है। कुल मिलाकर के ये जो जुमला की सरकार जो है, जो पूरा का पूरा इनका साथ निश्चय है, या आरजेडी जो कह रहा है कि हम आएंगे तो 20 लाख लोगों को, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। भाई 10 लाख को रोजगार क्यों देंगे? 12 करोड़ समथिंग जो है बिहार की जनसंख्या है, तो 10 लाख रोजगार करेंगे बाकी लोग क्या करेंगे? और 10 लाख रोजगार करेंगे किस चीज का रोजगार करेंगे? कौन सा रोजगार करवाइएगा? उस रोजगार का आपके पास क्या खाका है? आपने कौन सा रोड में बनाया है? तो आरजेडी हो, जदयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये पूरी के पूरी जो सामंती ताकत है, उनकी पार्टी है, उनका दल है, और पैसे का धनबल के रूप में खर्च करते चुनाव में। पूरा का पूरा देखेंगे कोरोना में एक भी गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, पूरा का पूरा सड़क से रेल पटरी से लेकर के कॉलेज के हॉस्टल तक लहूलुहान हो गए, लोग मरे, लेकिन इन्होंने कोई सहायता नहीं किया। पैदल पांव हैदराबाद से, गुजरात से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, यहाँ से तक केरल तक से बिहार पैदल पांव लौट गए, साइकिल चला करके बेटी अपने बाप को ज्योति बिहार तक पहुंच गई, लेकिन इन लोगों को कोई शर्म नहीं आया। आज इस चुनाव में हजारों गाड़ी घूम रहा है, हजारों हजार पूरा एसी वाली गाड़ी घूम रही है, हेलीकॉप्टर घूम रहा है। तो ये चुनाव में जो है अगर इतना पैसा खर्चा करते हैं तो बिहार की जनता के पास, आज भी दलितों के घर में आपको ले गए, महादलित के महादलित टोले में ले गए, जहाँ राजी परिवार है, जहाँ रविदास परिवार है, जहाँ पासवान परिवार है, जहाँ मुसहर परिवार है, वहां पर देख ले आज भी मिट्टी के घर में रहने को बेबस है। किसी के पास पक्के का मकान नहीं है, बिजली का पोल आ गया है, बिजली नहीं है, और बिजली बिल कितना आता है? जहाँ पहले हम 100 वाट का बल्ब जलाते थे तो 20 रुपया बिजली बिल आता था, आज 9 वाट का बिल जलाते हैं 250 रुपया का बिजली बिल आता है। ये लूट है, चारों तरफ लूट है, लेकिन क्या है कि विपक्ष भी उसी के साथ में है, पक्ष के ही साथ विपक्ष मिला हुआ है। इसलिए अब बिहार में जो नई लड़ाई हम लोगों ने सामाजिक न्याय का पूरा जो बहुजन दृष्टि लेकर के जो समतामूलक समाज के लिए हम लोग लड़ाई शुरुआत किए हैं, उस लड़ाई की नींव जो उसकी जो बुनियाद है, इस तिहपुर से उसको मुकम्मल लड़ाई के साथ हम लोग बिहार विधानसभा में ले जाने का हम लोगों ने फैसला किया है, और उसी के तर्ज पर लड़ाई लड़ सदियों। अभी बहुत अच्छी बात आपने रखी जो है, और सबसे बड़ा मामला है कि ओबीसी की जो बात होती है, नरेंद्र मोदी भी ओबीसी अपने आप को कहते हैं, और सबसे बड़ी कि बीजेपी ने भी सबसे ज्यादा सवर्णों को टिकट दिया, और कांग्रेस जो 70 साल 72 साल से जिसमें मोदी जी बात करते हैं, उसने भी सवर्णों को सबसे ज्यादा टिकट दिया, और आरजेडी और आरजेडी भी 49। तो ये पूरा जो नैरेटिव बनता है कि जो अति पिछड़ा और महादलित का, उसमें जहां तक देखा जाए कि जो इस तरह का जो नैरेटिव आंदोलनकारियों का नैरेटिव है, वो ज्यादा बिहार में सफल दिख रहा है जमीन पर, कि वो आंदोलन भी कर रहा है और चुनाव में भी। मैं एक चीज आपसे इस बात जानना चाहूंगा, तो जैसे कि हम लोग संजीव जी वहां पर रहते सब बिहार के लोग, और हमारी माताओं मजबूर हुई कि सड़क पर बच्चों को जन्म देने के लिए, बहुत सारे लोग मजदूर साथी हमारे उनकी मृत्यु हो गई, और देश में गवर्नमेंट में के पास उसके उसका कोई आंकड़ा नहीं। तो मामला है कि बीजेपी के पास कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन मैं एक चीज बात जानना चाहूंगा, बात करना चाहूंगा कि क्या ये प्रवासी मजदूर का जो सवाल है, तो बिहार के चुनाव का कोई सवाल है? दूसरा सवाल ये है कि आज अभी कल ये बात आई है कि जो भारत जो भूख की जो दुनिया में हुई है, उसमें भारत स्थिति बहुत बदतर है, और उसमें बिहार भी एक कारण है, जो
जो बीमारू राज्यों की जो परिकल्पना होती है कि बिहार में भी वो बुखारी की पोजिशन है। तीसरा सवाल इसी के साथ है कि जो चमकी बुखार जो सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस केंद्र में आया, जैसे गोरखपुर में जब बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की डेथ हुई ऑक्सीजन से, तो वहां पर एंसेफेलाइटिस काफी टिकट में आया और एंसेफेलाइटिस इस रेंज में भी है। तो चमकी बुखार एंसेफेलाइटिस की तमाम चीजें क्या कोई बिहार के नरेटिव प्रवासी मजदूर इस तरह कुछ है कि यह बच्चों बिहार में जो भी मौजूदा सरकार है और जो विपक्ष का दावा करते हैं दोनों के आप उसके पूरे एजेंडा में आप देखेंगे कि प्रवासी का जो उनके साथ दुख दर्द हुआ, जो नौजवान हुआ जो यहाँ से प्लान के जो वहां से पैदल चला है, फिर अभी ट्रेनें तो बंद है, थोड़ी थोड़ी कुछ अमीरों के लिए ट्रेनें चल रही है, लेकिन गरीब लोग आज भी पंजाब से हमारे यहाँ बसें आती है और बस में भर भर करके यहाँ से मजदूर जा रहा है, हरियाणा मजदूर जा रहा है, अलग अलग राज्यों में मजदूर जा रहे हैं। अभी अभी हमारे हम लोगों के बीच में यहाँ 3 दिन तक हमारे रमन मिश्रा से वाडिया और सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संदीप पांडे जी यहाँ आए थे और उनके साथ सेठ जी आए हुए थे, मोहम्मद सेठ भाई। उन लोगों को हम लोगों ने गाँव में घुमाया, महादलित मोहल्ले को दिखाया, ये देखिए महादलित का मोहल्ला है, एक भी पक्के का मकान नहीं, अगर एक भी पक्के का मकान है तो आप बताइए। तो ये जो सरकार का दावा है वो बिल्कुल खत्म है। और आप देखेंगे कि दाबी दलित के पिछड़े के अति पिछड़ों का मोहल्ला है, गांव घर है, तो वहां के नौजवान अक्सर देखेंगे कि आपको नहीं मिले, या तो बुजुर्ग मिलेंगे या उनकी जो पत्नियां हैं उनकी जो बच्चे हैं वही मिलेंगे। मैक्सिमम लोग प्लान करके बाहर में रहते हैं। हम हमारे गाँव के पड़ोसी भी मैक्सिमम दिल्ली में हरियाणा में जा करके वहां अपना रोजगार कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं। लॉकडाउन जैसे खत्म हुआ खाने का दिक्कत हो गया, जिस समय लॉकडाउन हुआ था वो संयोग से बिहार के अंदर गेहूं की कटाई चल रही थी, तो मजदूर जो आए सब गेहूं कटाई में लगे, उससे जो अनाज मिला किसी तरह वो दाल का घट्टा बना करके जो दलिया बना करके और किसी तरह से खा करके अपना समय गुजारा किया। और इस भुखमरी में जैसे ही मौका मिला तुरंत से वो बाहर गए और बाहर में जाकर के जैसे भी हो अपने घर के लिए, बहुत लोग तो जा रहे हैं वापस घूम के जा रहे हैं, वहां भी काम नहीं मिल रहा। अभी अभी हम जिस गाँव में विजिट कर रहे थे, अभी 25 युवक उस गाँव में लौट करके आए, कई प्रखंड का वो गांव है, 25 युवक बंबई गए वापस हो गए यहाँ आकर के क्योंकि वहां पे काम नहीं मिला। तो ऐसे स्थिति में जो बिहार का दावा है वो दावा सरासर झूठा है, गलत है। दूसरा है कि यहाँ पर देखेंगे कि जो मजदूर है एक दबाव बनता है, अरे तुमको वोट देना है फलाने भाजपा में ही देना है, आरजेडी में ही देना है, जदयू में ही देना है, नहीं तो कल किसके खेत में तुम काम करोगे, मेरे ही खेत में ना काम करोगे। ये दबाव बना के लोग उसका हत्या कर रहे, एक दबाव बना हुआ है। और वो कहता है क्या करें बाबू, साल भर तो फिर उसी के खेत में काम करना है, कल दिन खेत में काम नहीं करने देगा, अपने गाय मवेशी के लिए चारा लाने के लिए जाएंगे तो चारा नहीं देगा। ये सब जो सवाल है इस सवाल पर कभी नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो जिनके ऊपर चारा घोटाला का आरोप लगा, उन्होंने चरवाहा विद्यालय खोलने का काम किया, कभी कोई अच्छा स्कूल खोलने का काम नहीं किया, शिक्षा पे काम नहीं किया। नीतीश कुमार ने शिक्षा पे 1500 रुपये पे बहाली कराया, शिक्षक शिक्षक संघ में लड़ाई लड़वाया, शिक्षकों को पीटने का काम किया, शिक्षा का पूरा जो मार्केट को हवाले कर दिया, शिक्षा जो सरकारी व्यवस्था है ध्वस्त कर दिया है, तो स्कूलों का मर्जनाइजेशन चल रहा है, इतने तरह का जो है शिक्षा पर हमला है, निजीकरण। आप देखेंगे भागलपुर के जिला के अंदर जो कोई सरकारी स्कूल खुला जो नीतीश कुमार जो उनका फीता काटते नहीं आए, लेकिन डीएवी यहाँ पे खुला तो उनका फीता काटते उद्घाटन कर रहे आ जाते हैं। तो आप सोचिए कि एक बिहार का मुख्यमंत्री को अपने सरकारी संस्थानों पर भरोसा नहीं है, निजीकरण पर भरोसा है। तो यहाँ पर जो वो हमेशा देखेंगे ट्रांसपोर्ट के अंदर वो भी उनका जो दोनों का समावेश किया हुआ है, मैक्सिमम सरकार का बिहार परिवहन निगम लेकिन सब प्राइवेट बस से चला करती है। तो ये सब बिहार के अंदर अपना एक डाटा वाटा चुकी भाजपा के साथ मिला हुआ है, भाजपा अपना कभी सच नहीं बोलता है, भाजपा मतलब सबसे बड़ा झूठ पार्टी, भारत का सबसे बड़ा झूठ पार्टी है। तो ये झूठ का जो डाटा वाटा सब लगा करके ये सिर्फ अपना प्रोपगंडा करते हैं, असल में विकास के नाम पर सब झूठ है, विकास यहाँ कुछ नहीं है, जनरल योजना के नाम से भी चला। आप सब जगह देखने सबके पूछी हुई सारा का सारा सड़क टूटा हुआ है, सामने जल जमा है, पानी फंसा हुआ, काहे का जल नल योजना भैया, अरे जल तो वहां पहुंचाओ जहां जल नहीं पहुंचता है, जल यहां बहुत पर्याप्त मात्रा में है,
लेकिन सबको चापाकल नहीं दे सकते हो, पानी भी ऐसा आ रहा है तो ऐसा लीकेज हो जाएगा एक पाइप में, तो जो नाले का पानी है, गंदा पानी है, वो कचरा के रूप में पानी में आ जा रहा है। तो बहुत सारी ये समस्या है। बिजली की बहुत बड़ी समस्या, बिजली तो है लेकिन बिजली भी वो 250 रुपया 500 रुपया, किसी का 2000, किसी का 6000, किसी का 15-15 हजार बिल आ रहा है। ये बिजली का बिल इतना क्यों बढ़ रहा है, जबकि जिस समय 100 वाट का बिजली चलता था, बल्ब बनता वो पीला वाला, तो उस समय 20 रुपये का महीना का रेट था। अभी मात्र 9 वाट का, 7 वाट का बल्ब जलाया जा रहा है। अभी 200-250 भाई, 11 बल्ब जलाएंगे तो 11 × 99 होता है, कम से कम 11 बल्ब जलाएंगे तो 20 रुपये का हमको आना चाहिए था, लेकिन 1-2 बल्ब जला रहे हैं, 250-300 का बिल आ रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो है वो प्राइवेट सेक्टर को लाभ दिलाने के लिए पूंजीपतियों का ये सरकार है, पूंजीपतियों का ही पूरा का पूरा गठबंधन। चूंकि ये जो पूरा इलाका है, संदीप जी एक बार बातचीत में आ रहा था कि ये महात्मा गांधी के सत्याग्रह का भी ये सेंटर पॉइंट था, और हमारे साथ संदीप जी इस जो मीटिंग में है, तो और पिछले दिनों लगातार इस क्षेत्र से आना जाना लगातार रहा है संदीप जी का, तो चाहेंगे संदीप जी इसमें कुछ बातचीत हो तो बेहतर रहे। नहीं, मैं थोड़ा सा देर से जुड़ा, मैं माफ़ी चाहता हूं। और हम लोग असल में हमारी पिछले 2 दिन से लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम लगे हुए थे। परसों जो है वो मेधा जी का हाथरस पे था 1 घंटे का, कल भारत पाकिस्तान के बीच में था, और आज तीसरा दिन लगातार हो गया, तो हम लोग इसकी तैयारी ठीक से नहीं कर पाए। लेकिन कोई बात नहीं है, हम इसको रिकॉर्ड करके और इसको हम जगह जगह कोशिश करेंगे कि ये संदेश पहुंचे गौतम जी का। नहीं, गौतम जो बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। मुझे भी लगता है कि बिहार में जब हम जाते हैं, जो बातें गौतम बता रहे हैं इस तरह की बातें, तो उत्तर प्रदेश में जो सामंती प्रथा है कि आप हमारे खेत पे काम करते हैं तो आपको उसी पार्टी को वोट देना पड़ेगा जिसको हम चाहेंगे, ये बातें हमने उत्तर प्रदेश में सुनी थी करीब 30-40 साल पहले, जब से। और ये बातें हमने 2 जगह, मैंने ज़मीनी काम किया है उत्तर प्रदेश में, बलिया में और हरदोई में, और दोनों जगह इस तरह की बातें सुनी। बलिया में मैंने काम शुरू किया था 90 के आखिरी वर्षों में, और वहाँ मुझे बताया गया रेवती नाम के कस्बे में कि एक जमींदार साहब थे जिनके ज़मीन पे 500 मछुआरे रहते थे, और एक बार मछुआरों ने अपनी मर्जी से समाजवादी पार्टी को वोट डाल दिया, तो जमींदार साहब ने कहा कि कल से, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमारी ज़मीन छोड़ दीजिए, उन्होंने ये कहा कल से आप हमारी ज़मीन पर शौच नहीं करेंगे, और उन मछुआरों को उनके सामने घुटने टेक देने पड़े। दलितों को कहा जाता था कि तुम पोलिंग बूथ पे दिखाई मत पड़ना, नहीं तो तुम्हारा टंगड़ी तोड़ दिया जाएगा। तो कम से कम मायावती के आने से उत्तर प्रदेश में इतना हुआ कि दलित अपना वोट डालने लगे, और वोट ही नहीं डालने लगे, उनकी सरकार भी बनी। और इसी तरह से हरदोई में जिस गाँव में मेरा आश्रम है, वहाँ के दलित भी बताते हैं कि 30-40 साल पहले ये स्थिति थी कि कोई अगर सवर्ण जमींदार आके एक गुहार दे दे कि चलो लालपुर के चवारों मेरे खेत पे काम करने, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो उसको जाने से मना कर दे। अब ये स्थिति नहीं है, लेकिन मुझे ये सुन के बहुत दुख हो रहा है कि बिहार में इस किस्म की जातिवादी सामंती प्रथा के अवशेष अभी भी बाकी हैं। और जो लड़ाई लालू यादव को, नीतीश कुमार को, ऐसे लोगों को लड़नी चाहिए थी उस सामंती प्रथा के खिलाफ, बहुत दुख की बात है कि लालू जी ने भी वो लड़ाई नहीं लड़ी, वो सिर्फ सत्ता के खेल में सिमट के रह गए, जिसका प्रमाण है कि आज उनकी पार्टी पे उनके बेटे का ही वर्चस्व है, यानी कि उनका जो लोकतांत्रिक नज़रिया था वो कायम नहीं रहा पार्टी के अंदर। और नीतीश भी हम देख रहे हैं कि सिर्फ सत्ता में रहने के लिए जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया हुआ है, तो कुल मिला के सामंती और जातिवादी ताकतों को ही वो मजबूत कर रहे हैं।
पहले लगा था कि शायद नीतीश के आने से कुछ सुधार होगा, लेकिन वो सारा का सारा जो है उनका जो एजेंडा है वो धरा का धरा रह गया। मुझे याद है गौतम जी शिक्षा की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने आते ही एक शिक्षा पे मीटिंग बुलाई थी, और जिस आयोग का वो बार बार जिक्र करते हैं ये हुआ था कि बिहार के अंदर महात्मा गांधी ने जो स्कूल शुरू किए थे नई तालीम की अपनी विचारधारा के तहत, और जो उनके अनुयायियों ने जो तमाम स्कूल खोले थे उन स्कूलों को फिर से जिंदा किया जाएगा, और नई तालीम की जो अवधारणा थी उस शिक्षा को बिहार की धरती पे उतारा जाएगा। मुझे ठीक से नाम याद नहीं आ रहा, एक सिंह साहब थे वो आईएएस अधिकारी थे, बाद में वो बिहार के मुख्य सचिव भी, अंजनी कुमार सिंह, उन्होंने वो मीटिंग बुलाई थी, बाद में वो मुख्य सचिव भी बने बिहार के। लेकिन वो सिर्फ एक मीटिंग हुई जिसमें मैं गया था भाग लेने, उसके बाद कोई मुझे कम से कम दूसरी मीटिंग में नहीं बुलाया गया। तो सोच अच्छी थी, नीतीश कुमार ने शराबबंदी पे पिछला चुनाव लड़ा, उनको गरीब औरतों के वोट मिले, बहुत अच्छी पहल थी उनकी। लेकिन लोग बताते हैं, गौतम जी इसकी पुष्टि करेंगे, कि शराब तो बिहार में बंद नहीं हुई है, जिस तरह से गुजरात में कभी बंद नहीं हुई शराबबंदी होने के बावजूद, गुजरात में डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो मेरे ख्याल से नितिन पटेल नाम है उनका, उनका बेटा एक दिन शराब से धुत हवाई जहाज पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसको उतारा गया वहां हवाई जहाज से। तो इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है कि शराबबंदी के बावजूद शराब बिकती है, और उनका कोई भी जो जो, जो प्रगतिशील एजेंडा था वो लागू नहीं कर पाए। अंततः तेजस्वी यादव को भी आनंद मोहन सिंह की पत्नी और बेटे को टिकट देना पड़ रहा है, और नीतीश कुमार को भी भारतीय जनता पार्टी के सहारे ही राजनीति करनी पड़ रही है। तो ये जो राजनीति है, यानी कि जो यथास्थिति को बरकरार रखने की, ये कोई परिवर्तनकारी राजनीति नहीं है, ये बहुत साफ होना चाहिए। भले ही वो दलितों और पिछड़ों की नुमाइंदगी का दावा करते हैं, चाहे पासवान ही क्यों ना हो, लेकिन इसके लिए एक नई पहल की ज़रूरत है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि गौतम कुमार प्रीतम के रूप में एक नौजवान इस वर्चस्ववादी राजनीति को, सामंती जातिवादी राजनीति को चुनौती दे रहा है, और जो इनका काम है, अगर लोग इस दबाव में ना आ जाएं, इस धारा में ना बह जाएं कि हमें अपना वोट बेकार नहीं करना है और किसी जीतती हुई पार्टी को देना है, जो एक बड़ी बड़ा अजीब सा प्रचलन है अपने देश में कि लोग चाहते हैं कि हमारा वोट ना बेकार हो, अगर उसके प्रभाव में लोग नहीं आए, और यदि उन्होंने काम के मूल्यांकन के आधार पर अगर वोट किया, तो मेरा अंदाजा है कि गौतम जी को लोग वोट देंगे, और वो निश्चित रूप से विधानसभा में पहुंच के लोगों की आवाज को बुलंद करेंगे। तो क्या संदीप जी, साथियों, अभी संदीप जी आयोगों की बात कर रहे थे, कल मैं कुछ साथी से बात कर रहा था बिहार के संदर्भ, तो एक साथी ने बताया कि बिहार में 3000 समथिंग यहाँ पर में हॉस्पिटल है, और यहाँ पर 7,500 के से अधिक जो है जो दाह संस्कार के जो मर जाने के बाद के जो जगह है 7,500 से अधिक है, मतलब कि एकदम उल्टा जो है। दूसरा कि जो आयोगों का भारत में जो हस्त है, अभी जिस आयोग की बात करते शिक्षा के इतिहास से, पूरी तरह से इतनी बहस पूरे बिहार में, मुझे लगता है कि अभी आसवान जी की बात हुई, शरद जी की बेटी भी चुनाव में लड़ रही है दूसरी पारी खेलने के लिए, उनकी उनके क्या कहते हैं उस पारिवारिक सिस्टम को, राजनीतिक सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, और लालू जी के बेटे हैं ही, और ठीक जातिगत जनगणना भी इसी देश में हुई, और उसमें भी एक अरविंद पर, मैंने जब जातिगत जनगणना में बहुत सारी जातियां आ गई तो कहा गया कि हम इसलिए नहीं जारी कर पा रहे, बहुत ज्यादा जातियां आ गई। एक प्रॉब्लम ये था कि आपने नहीं से सही से किया, उसका उसका जो भुगतान क्यों पिछड़ा हो, महादलित पिछड़ा को दलित करना पड़े।
उसमें अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में एक जो है कमेटी का गठन किया गया, और मालूम चला कि कुछ दिनों बाद की अरविंद पनगड़िया की मीटिंग जो करनी थी अरविंद पनगड़िया भी कहीं विदेश में फॉरन में जाकर के कहीं सेटल हो गए थे। तो मतलब कि भारत में जो आयोग का हस्त रहे, तो मैं खास तौर पर फिर से बीपुर पे आता हूँ। दो सिक्वेंस में हम लोग इसको बात को कम्प्लीट करेंगे कि हम जहाँ बैठे हैं ये कोसी और गंगा के किनारे का के बीच का भाग है बीपुर, और यहाँ पर मैं खासतौर पर अपने जो साथी लोग देख रहे हैं मैं उनको उनके जानकारी के लिहाज से मैं चाहूंगा कि आप इस बात को बताएं कि यहाँ पर महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह का जो यहाँ पर नींव रखी, और उसको क्या यहाँ पर राजनीति में कहीं उसके लिए जगह है, या बिहार की राजनीति में जो सामाजिक न्याय की राजनीति है, या इसके पीछे जो गांधी के नाम पर जो कांग्रेस आने की बात कर रही थी, खैर अभी तो गोडसे वाले भी आ गए हैं, लेकिन क्या इन लोगों ने कभी महात्मा गांधी को उस जगह को दिया? और दूसरा कि इस बेल्ट में क्या इस पूरी राजनीति के सामाजिक न्याय की और सोशलिस्ट राजनीति के लिहाज से आप क्या प्रयास? सबसे बड़ी बात है कि जब गांधी जी बिहार के अंदर आए, दो दफा बिहार में आए, और बिहार के अंदर जो गांधी का प्रभाव पड़ा, यहाँ पर जो पहले आंदोलन हुआ था वो हिंसक आंदोलन हुआ था। यहाँ 22 जो टॉमी फर्स उस समय कहा जाता था, जो आज कमांडो कहते हैं, उसको काट करके यहाँ के किसानों ने गंगा में बहा दिया। 22 लहास मिला, उनके जो बड़े हुए शरीर मिले इसलिए 22 कटा, तो और भी ज्यादा है। तो गांधी जी के प्रभाव से यहाँ जो है सत्याग्रह हुआ, आंदोलन हुआ, देश के अंदर सबसे लंबा सत्याग्रह जो है एकदम जो शुरू हुआ और कंटिन्यू चला, वो सबसे 6 महीने से भी अधिक दिनों तक सत्याग्रह यहाँ चला। हर दिन खादी का कपड़ा पहना करके 5 नौजवानों को भेजते थे पुलिस के पास, पुलिस मारते पीटते थे, फिर दूसरी टीम जाते थे उसको लाते थे, फिर दूसरे दिन दूसरी टीम जाती थी दूसरी जाती थी, ये इस तरह से एक चैनलाइज चलता था और लगातार लंबा 6 महीने तक चला, जिसमें यहाँ एक बाला दास हुए जिनके कान में कीचड़ इतना डाला, पंप इतना क्या कि कान का जो है लेयर वो फट गया, जिसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने किताब बापू के कदमों में, उस किताब में वो लिखते हैं, उनका 20वां अध्याय है, आपको बता दूं साथी जो लोग भी हैं। बीसवां अध्याय में आपको पता चलेगा कि बिहपुर की स्थिति क्या है। बिहपुर के बारे में बिहार गौरव में 3री क्लास में पढ़ाया जाता था, बिहपुर में पुलिस की ज्यादती यह चैप्टर पढ़ाई जाती, लेकिन लालू काल में ही इस किताब को किताब से हटा दिया गया बिहपुर का इतिहास। ये सोचिए कितना समाज न्याय के लिए बड़ा सवाल है कि यहाँ बालादास, शनिचर, चमार, फौदी, मंडल, लड्डू, कुमार, दशरथ महतो, खुसरू मांझी, तुराव अली, तमाम ऐसे लोग क्रांतिकारी हुए, छेदी मास्टर, तो कोई उसको मतलब वो सब नाम उस किताबों में था, उस किताब को हटा दिया गया। डॉक्टर आर के राणा उनके जो पशुपालक बटाला वाले थे वो भी उसमें, और लोगों ने उनको भी अपील किया था, उनका यहाँ से सांसद बना, लेकिन कोई नहीं हुआ। हम लोगों ने सत्याग्रह स्थल के लिए यहाँ पे डिमांड किया, एक भी गांधी के नाम से स्मारक नहीं। यहाँ डॉक्टर लोहिया आए, विनोबा जी आए, JP आए, तमाम प्रोफेसर अब्दुल बारी आए, बलदेव शाह आए, तमाम ऐसे जो है राष्ट्रीय उस समय के लीडर थे, वो तमाम लोग यहाँ आए। यहाँ के लोग उनको हाथी पर बैठा करके लाते थे, बड़ी बरसात में हजारों हजार लोग जो है बड़ी बरसात में उनको लाए, और जब गांधी जी भाषण दे रहे थे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ आकर के भाषण दिए, आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब यहाँ आए थे तो उनके ऊपर जब पुलिस ने हमला किया तो यहाँ के क्रांतिकारी उनके ऊपर सो गए, वो सारा का सारा अपने ऊपर लाठी खाए, मार खाए और उनको बचाए, जिसके चलते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, नहीं तो वो गोपालाचार्य बनने वाले थे। तो इतनी बड़ी कुर्बानी देने वाला बिहपुर, जहाँ बिहपुर का जंक्शन था, रेलवे यहाँ से भागलपुर तक जाते थे, यहाँ बिहपुर में लोको सेट था, रेलवे का बड़ा एक कारखाना का काम चलता था, तमाम चीज यहाँ पे नष्ट हो गया, यहाँ से हटा लिया गया, वापस ले लिया गया, दूसरे जगह भेज दिया गया। बिहपुर का अनुमंडल बनना था, वो अनुमंडल नहीं बना, बिहपुर को जिला बनना चाहिए था, जिस थाना के अंतर्गत, मैं 19वीं शताब्दी का बात कर रहा हूँ, जिस थाना थाना के अंतर्गत आता था, लेकिन बिहपुर थाना में जो लोग आने वाले थे वो जिला बन गया, कमिश्नर ही बन गया, लेकिन बिहपुर वहीं का वहीं रह गया।
बीपुर के कृषक आज भी, बीपुर के मजदूर हो, बीपुर के महिलाएं हो, तो बीपुर में जितने पढ़े लिखे वाले नौजवान हो, सबके साथ ये करारा मजाक यहाँ पे हुआ है, उनके साथ छलवा हुआ, उनको लूटने का काम किया। आप शुरुआत में देखेंगे कांग्रेस के यहाँ पे विधायक बने, लगातार तीन तीन बार कम्युनिस्ट सीपीआई के यहाँ पर विधायक बने, फिर आरजेडी का यहाँ पर, फिर भाजपा का, तो ये सब तमाम चीजें हुआ, लेकिन कोई भी स्मारक नहीं, कोई स्मारक नहीं है। सरमरसा फाड़ी कांड के नाम से बहुत चर्चित है, जिसमें चार चार नौजवान शहीद हुए, लेकिन कोई एडवोकेसी नहीं, उसको कोई बोलने वाले। यहाँ के जो विधायक सांसद है उनको अपना घर मकान जमीन परिवार से मतलब, यहाँ के इतिहास से कोई लेना देना, एक भी सत्याग्रह स्थल नहीं है। तो ये गांधी के साथ भी छला हुआ है, लोहिया के साथ भी छला हुआ है, अम्बेडकर के साथ भी छला हुआ है, कांशीराम के साथ छला हुआ है, कर्पूरी ठाकुर के साथ छला हुआ है, जितने भी सामाजिक न्याय के लिए जो समतामूलक समाज चाहते थे, जो जाति का विनाश चाहते थे, जो शिक्षा की बात करना चाहते थे, रोजगार की बात करना चाहते थे, उन सबको छलने का काम किया, चाहे कांग्रेसी हो, कम्युनिस्ट हो, या आरजेडी का हो, उस बीजेपी का हो, सब यहाँ के विधायक रहे हैं, लेकिन किसी ने इसका संज्ञान लेने का काम नहीं किया, ये हमारा दुख है। सतुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग सत्याग्रह सोशलिस्ट पार्टी का जो कार्यक्रम है उसका नाम भी सत्याग्रह है, और इतने महत्वपूर्ण जगह पर हम लोग इससे आज बातचीत कर रहे हैं। तो और अभी मैं जिनमें बातचीत कर रहा था तो मालूम चला कि यहाँ पर एक कॉलेज है वो भी जयप्रकाश नारायण के नाम पर है, तो मतलब कि ये जो सोशलिस्टों में, वो सोशलिस्ट पार्टी में ही थे, सोशलिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे जयप्रकाश नारायण, और जो यहाँ शिवधारी बाबू जिसने ये कॉलेज बनाया वो भी सोशलिस्ट पार्टी से। तो ये जो पूरा धरती है ये सोशलिस्टों की, और पूरा तमाम जो यहाँ पर सामाजिक न्याय का जो सवाल है आज की संदर्भ में मैं जानना चाहूंगा, ये हम लोग तमाम साथियों के बीच में ये जानना चाहेंगे कि इस बीच में आप जो गंगा और कोसी के पूरे इस शोक के बीच में जो पूरा एरिया बसा हुआ है, यहाँ की कौन से एजेंडे हैं जिन पे आपने लड़ा है, और इस आने वाले दिनों में 3 तारीख को आप किन उन एजेंडों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर जनता जा रहे हैं कि वो आपको चुनाव में लाए, जिता के विधानसभा की आवाज बनाए, और वो कौन से राजनीतिक सवाल हैं जो आप चाहेंगे कि वो बिहार विधानसभा में, बिहार के अंदर खास करके हमारे यहाँ क्षेत्र में जो जमींदारों का एक वर्चस्व है, वो गरीब की जो बहु बेटी है उसको, उनकी इज्जत को नहीं समझता, इसको लेकर के यहाँ पे रेप कांड भी हुआ, उसकी भी लड़ाई हम लोगों ने लड़ने का काम किया है। न्याय तो उनको कानूनी मिला, लेकिन कभी उस बच्ची के अंदर जो जख्म है, जो दर्द है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। दूसरा है कि यहाँ पर जो शिक्षा का सवाल है वो राज्य का सवाल, देश का सवाल, और हमारे क्षेत्र का भी सवाल है। जो स्वास्थ्य का सवाल है वो हमारे क्षेत्र का भी सवाल है, राज्य का सवाल है, और राष्ट्र का भी सवाल है। हमारे यहाँ आम की अच्छी पैदावार होती है, लीची की अच्छी पैदावार होती है, केला का बहुत बड़ा खेती है यहाँ पर, मक्के का बड़ा पैदावार होता है, लेकिन उस कृषि के उत्पादन के आधार पर यहाँ पर किसी प्रकार का एक भी इंडस्ट्रीज नहीं है, या कहूँ तो विलेज इंडस्ट्रीज नहीं है, या फिर कहें यहाँ पर कोई जो कोल्ड स्टोर है वो नहीं है, कोई बड़ा गोदाम या छोटा भी गोदाम नहीं है जहाँ पर कि लोग अपना स्टोर कर सके। दूसरा है कि हमारे यहाँ पे कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ महिला कॉलेज नहीं है, इतनी बड़ी आबादी है, लगभग 2,53,000 यहाँ के वोटर है, आबादी तो और ज्यादा है, तो आप देखेंगे उनके लिए एक महिला कॉलेज नहीं है, आधी आबादी के लिए एक महिला कॉलेज क्यों नहीं है, ये कौन सोचेगा, पूरा का पूरा 3 प्रखंड में एक महिला कॉलेज नहीं, तो ये हम लोगों के लिए बड़ा समस्या है। दूसरा है कि हमारे यहाँ जल निकासी का समस्या, बरसात का पानी भी गांव घर को डुबो दे रहा है, सड़कें ऊंची हो जा रही है तो घर नीचे हो रहा है, तो घर में पानी जा रहा है, सरकार की योजना सड़क ऊंचा कर देता है, लोगों का घर नीचे हो जाता है, फिर वो मट्टी भरते फिर इधर चले जाते, तो पूरा इसका जो है, बगल में हमारा कोसी का बेसिन है, गंगा का बेसिन है, छोटी छोटी और भी जो है वो झील जैसा है, तो पानी का निकासी वहां किया जा सकता है। बीपुर का जो मुख्यालय है, जो बीपुर विधानसभा का मुख्यालय है, उनकी तमाम सड़कें जो है गड्ढे में तब्दील है, यहाँ से पानी निकासी का कोई उपाय आज तक यहाँ के हमारे जो विधायक सांसद हुए किसी ने करने का काम नहीं किया।
ये हमारा लोकल एजेंडा भी है, जो हमारा नेशनल एजेंडा है उस पर भी काम करेंगे। दूसरा, हमारे यहाँ के जो मजदूर पलायन करते हैं वो हमारा मजदूर कैसे यहाँ रुके, तो वो पर जो हमने कहा कि हम मक्का आधारित, जो आम लीची हमारे यहाँ का सब्जी तमाम इस पर आधार, जैसे हमारे यहाँ सरसों तेल, तमाम सरसों तेल का जो ब्रांड है वो गुजरात राजस्थान से आता है, जबकि सरसों की खेती यहाँ भी होती है। गांव गांव में कोल्हू का लगाया जा सकता, अब तो बैल वाला कोल्हू नहीं है, अब तो बहुत अच्छा है। एक हम लोगों ने यहाँ पे इसका उदाहरण भी पेश किया है कि हमने एक कोल्हू मशीन लगाया है, लकड़ी का ही उसमें घूमना है, लकड़ी का ही पूरा वो बैंडेज किया हुआ है और अच्छी उसमें जो है शुद्ध सरसों का तेल निकलता है। तो ये गांव गांव में खुल सकता है, हर गांव में 10-5 लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो हम लोगों का जो है विलेज इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़े, ग्राम उद्योग कैसे बढ़े, उस पर काम करने का पूरा पूरा फोकस है। और इस तरह से ही हम ग्राम उद्योग को बढ़ा सकते हैं, जो गांधी की संकल्पना है, जो बुनियादी शिक्षा की बात कर, बुनियादी शिक्षा यही है कि शिक्षा के साथ साथ उसको हुनर भी सिखाना। हम वो मैट्रिक इंटर करने के बाद आईटीआई वाली बात नहीं, हमारे यहाँ तो मछली मारने वाले जो है जातिगत पेशा है, तो जो बढ़ई का काम है जातिगत पेशा, कोई इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं, जो कपड़े बुनाई का, कोई टेक्सटाइल का इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं, वो स्वतः बचपन से सीख जाते हैं और बनाते हैं अच्छा अच्छा डिजाइन बनाते हैं। अगर उस हुनर को, चाहे खिलौना बनाने का, तमाम ऐसे चीजें हैं जो स्कूल में बच्चा को सिखा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, और उससे हम अपने जो देश के अंदर का आर्थिक जो हमारा कमजोरी है उसको विकसित कर सकते हैं। हम चाइना का मॉडल नहीं लेंगे, वहां तो मजदूरों का शोषण किया गया, हमारे यहाँ के मजदूरों को हुनर देते हुए अपना काम बना करके हम लोग जो बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं उस पर इस चीज को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये सरकार का एजेंडा में नहीं। तो इन सवालों को लेकर आपकी रणनीति क्या है, आंदोलन के रूप में और चुनाव के रूप में कैसे लोग देखते हैं? एक तो अभी चुनाव का वक्त है, जनता को इसमें इतना ही समझना चाहिए कि जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, आपके पूर्व के कोई कैंडिडेट इस पर सवाल नहीं करते, कभी डिबेट नहीं करते। जनता के बीच में जो जागरूक लोग हैं, आप एक डिबेट बनाइए, एक महापंचायत लगाइए, चुनावी महापंचायत लगाइए, जो सत्ता में रहे हैं, जो विधायक रहे, सांसद रहे, बैठाइए, मुझे भी बैठाइए, मैं कॉन्ट्रैक्ट टॉक करने के लिए तैयार हूँ। तो ये हमारा भी राजनीतिक चुनाव, जो चुनाव है वो हमारा राजनीतिक मुद्दा है। अगर चुनाव में हम जीतते हैं तो विधानसभा के अंदर हम अपनी हुंकार बढ़ाएंगे, हम अपनी गर्जना करेंगे, लेकिन अगर चुनाव नहीं जीतते हैं तो सड़क ही हमारा सांसद बनेगा, क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि सड़क अगर सुनी हो गई तो संसद आवारा हो जाएगा। तो हम सड़क को भी संसद बनाने का दम रखते हैं और सड़क पर भी संसद चलाएंगे, लेकिन जो एक संवैधानिक ताकत है हमारे यहाँ की जनता को, जो बिहपुर की जनता है और बिहार की भी जनता, बिहार की तमाम जनता से निवेदन करते हैं कि बिहपुर को हमने एक मॉडल माना है और इस मॉडल के साथ हम यहाँ लड़ना चाहते हैं, और एक एक छेद जो है इस पूरे इसके जो पूरा गलत नीति का जो बड़ा सा पेटारा है उसमें एक छेद यहाँ से करना चाहते हैं, और इसके छेद से हम अगले विधानसभा का जब चुनाव होगा, मुझे तो ये भी पता हो रहा है बिहार की राजनीति में कि जिस तरह से भी राजनीति बिहार की चल रही है, आने वाले समय में मध्यावर्ती चुनाव होना निश्चित है। तो सोशलिस्ट पार्टी का जो हमारा लड़ाई है, हम लोग जितने भी आंदोलनकारी हैं बिहार के अंदर, जितने भी आंदोलनकारी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भी, जितने आंदोलनकारी साथी हैं, वो आंदोलनकारी साथी ये तय करें कि हम राजनीति का भी आंदोलन करेंगे, सिर्फ सड़क पर विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएंगे। जब तक कि आप आंदोलन करते हुए सड़क को से लेकर के गद्दी तक नहीं पहुंचेंगे, तो हमारी जो आवाज है, हमारे लोग वहां पहुंचेंगे, तो दोनों आवाज एक साथ काम करेगा। होता क्या है, करोड़ों रुपया टिकट दे करके, पार्टी से टिकट ले करके किसी तरह राज्यसभा में चला जाना है पॉलिटिकल पावर के लिए। अभी अभी आप देखेंगे बिहार के लिए एक बड़ा उदाहरण है कि बिहार किसी भी राज्य में डीजीपी का एक बड़ा पोस्ट होता है। अभी अभी डीजीपी से बहुत बड़बोले थे अभियानंद, बहुत एकदम को वो बड़ा बड़ा स्टाइलिश जो है, वीडियो उसका आया, बगल में गायक है, खड़ा हो रहा है, हाँ वो रॉबिन हुड जैसा, मैंने इतना बढ़ चढ़ करके दिखाया हीरो बनने के लिए, फिल्मी हीरो बनने। और ऐसा राजनीतिक कि एक इतना बड़ा राज्य का, इतना बड़ा राज्य का एक डीजीपी बहुत बड़ा पोस्ट होता है, आप एक विधायक बनने के लिए अपना रिजाइनेशन मारा क्या आखिर? तो इसलिए बिहार की जनता से कहना चाहते हैं, खास करके वैसे जनता जो कहते हैं कि राजनीति बेकार होता है, बेकार होता है, सोचिए कि एक डीजीपी अपना रिजाइनेशन दे करके एक विधायक बनना चाहता है, एक विधायक के अंदर कितनी ताकत। हमारे यहाँ के जो विधायक नकारे हैं, बेकार हैं,
वो सिर्फ सत्ता का सुख भोगते हैं, गाड़ी एसी कार में घूमते हैं। अगर बीहपुर विधानसभा की जो जो विधायक बने अगर ताकतवर होता, जुबान उसकी होती, समझ उसका विकसित होता, तो निश्चित तौर से बीहपुर का भी विकास होता। आज यहाँ कोसी का कटाव, गंगा का कटाव, दोनों कटाव से परेशान है, भूमिहीन हो गए, विस्थापित हो गए, कोई देखने वाला उनको नहीं है, खाने का जुगाड़ नहीं। तो इन सब के ऊपर हमारा एजेंडा है, हमारा ये लड़ाई है, हम इस तरह से राज्य भाई लड़ेंगे और आप सबका साथ है, पूरे बिहार की जनता का साथ है। बीहपुर विधानसभा में मुझे पहले लगता था कि कुछ लोग हैं, लेकिन अब लगता है कि बहुत लोग हैं, क्योंकि जनता के बीच जब जा रहे हैं तो बड़े बुजुर्ग नौजवान सब गले लगा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको पहली बार लड़ने वाला नौजवान मिला है, हम इस नौजवान को हाथ मजबूत करें। बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखा है इन्होंने कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, चुनाव में वोट कट जाएगा, तमाम चीजें। डीजीपी भी अब रिजाइन देकर के जो है वो चाह रहे हैं कि विधायक बनना, मतलब कि राजनीति में जो पावर है वो उस पावर को आंदोलनकारी साथियों को देखना चाहिए। और बीहपुर विधानसभा एक मॉडल, जैसा कि गौतम भाई की बातों में गांधी जी की भी अटलाजी आ रही है, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट प्रगतिशील बहुजन आंदोलन की जो पूरी अटलाजी है, वो जो वर्ग को लेकर जो एक दृष्टिकोण है साफ साफ दिख रहा है। तो मैं चाहूंगा कि संदीप जी अगर कुछ बात इस पे रखना चाहे या कोई सवाल हो तो। नहीं, बस मैं एक बात और जोड़ना चाह रहा था कि गांधी की बात बीच में आई थी, तो अभी जब ये जो कृषि कानून बने हैं तीन नए, इसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमने पूरा चक्र घूम लिया है। आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हुई थी मतलब कम से कम गांधी जी की जो भूमिका थी, आज़ादी की लड़ाई तो खैर पहले से लड़ी जा रही थी, लेकिन गांधी जी का जो प्रवेश हुआ आज़ादी के आंदोलन में वो हुआ चंपारण के सत्याग्रह से। उसके पहले तो गांधी जी भ्रमण ही कर रहे थे देश का, उन्होंने कोई आंदोलन में भागीदारी नहीं की थी। बिहार ने एक तरीके से गांधी को आज़ादी के आंदोलन में प्रवेश करने का मौका दिया, एक जन नेता बनने का मौका दिया। और वो लड़ाई किस बात की थी? वो लड़ाई इस बात की थी कि अंग्रेज तय करता था कि किसान क्या बोएगा और नील की खेती करवाता था और उसकी पूरी कीमत नहीं देता था, इसलिए किसान जो है परेशान था, उसका उत्पीड़न हो रहा था और भुखमरी की स्थिति थी। आपको याद होगा कि जब गांधी जी चंपारण में थे तो एक एक झोपड़ी के अंदर एक महिला थी, उससे वो मिलना चाह रहे थे और वो महिला अंदर से कह रही थी कि मैं बाहर नहीं आ सकती क्योंकि मेरे पास एक ही साड़ी है और मैं अभी नहाई हूँ और जब तक वो साड़ी सूख नहीं जाएगी तब तक मैं बाहर नहीं आ पाऊंगी। तो ऐसी गरीबी की स्थिति थी यहाँ पे कि गांधी जी ने उस पूरी लड़ाई में अपने को झोंका, अपनी पूरी टीम को बुलाया, कस्तूरबा गांधी को बुलाया, महादेव देसाई को बुलाया, राजेंद्र प्रसाद वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए गए वकीलों की टीम को लेके। 8,000 किसानों का उन्होंने स्टेटमेंट दर्ज किया कि किस तरह से उनका शोषण हो रहा है, किस तरह से अंग्रेज उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। और उसके बाद जब अंग्रेजों को लगा कि नहीं, ये आदमी यहाँ से आसानी से नहीं जाने वाला है, वैसे तो उनको रेलवे स्टेशन पे उतरते ही उनको जिला छोड़ने का आदेश कर दिया था डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने, लेकिन गांधी जी गए नहीं और उन्होंने यहाँ रह के लड़ाई लड़ी। वो पूरी लड़ाई इस बात के लिए लड़ी गई कि किसान को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो कौन सी फसल उगाना चाहता है और जो फसल वो उगाए उसको उसकी सही कीमत मिले। और अब हमारा अब हमारी सरकार ये कानून बना रही है कि जो तीन कानून है उसमें से एक कानून ये है कि अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि किसान जो अपने अनाज को पैदा करके और सब्जी मंडी पे न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बेचने की आज़ादी थी, मोदी जी कह रहे हैं कि उसको उन्होंने मुक्त कर दिया, अब वो सिर्फ मंडी में बेचने के लिए मजबूर नहीं है, वो जाके किसी निजी कंपनी को भी बेच सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जब मंडी की सुरक्षा किसान को नहीं रहेगी और जब वो निजी कंपनी के भरोसे हो जाएगा तो वो और ये कहा जा रहा है कि
जो पहले मदद सरकार से मिलती थी, जो सब्सिडी सरकार से मिलती थी, जो ऋण सरकारी बैंक से मिलता था, अब वो कर्जा भी कंपनी देगी, कंपनी तय करेगी कि वो क्या बोएगा, कंपनी तय करेगी कि उसको क्या कीमत मिलेगी। तो शुरू में तो मंडी को काटने के लिए ये निजी कंपनियां हो सकता है ज़्यादा कीमत दे दें, लेकिन जब सरकारी मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, जब सरकारी क्रय केंद्र ख़त्म हो जाएंगे, तब निजी कंपनियां किसानों को मनमाने ढंग से अपनी उंगलियों पर नचाएंगी, वो तय करेंगी कि किसान क्या बोएगा और उसको क्या कीमत मिलेगी। तो जो पूरा चक्र था आज़ादी की लड़ाई का, गुलामी से छुटकारे का, वो घूम के हम वापस अब कंपनियों के गुलाम बनने जा रहे हैं, और इसलिए ये लड़ाई और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये बहुत खुशी की बात है कि गौतम जी उन मुद्दों को लेके लड़ रहे हैं, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा, बाकी पार्टियों को इन मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो सिर्फ अपनी सत्ता की राजनीति से मतलब है। पूंजीपतियों से पैसा लेके वो चुनाव लड़ते हैं और पूंजीपतियों की मदद के लिए वो कानून बनाते हैं। तो मोदी सरकार ने जो सबसे खतरनाक काम किया है कि चंपारण में जो स्थिति किसानों की थी गांधी के आने के पहले, उस स्थिति में दोबारा वो किसान को ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमें और कमर कस के इस सरकार के खिलाफ और इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में आप दोनों नौजवानों के नेतृत्व में, एक उत्तर प्रदेश में है, एक बिहार में है, एक ऐसी लड़ाई खड़ी होगी जो इस पूंजीवादी फासिस्ट और जो ये गैर लोकतांत्रिक जो पूरी सत्ता है, इसको हम ख़त्म करेंगे। और जो लोकतंत्र की सही कल्पना है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की हो, महात्मा गांधी की हो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की हो, ऐसे सारे नेताओं की, भगत सिंह की हो, ये नेता भले ही इनके विचार अलग अलग रहे हों, कुछ बातों पे मतभेद रहा हो, लेकिन इतना तो तय है कि डॉक्टर अंबेडकर की धारा गांधी की धारा, लोहिया तो गांधी की धारा में ही शामिल है क्योंकि वो गांधी को ही अपना गुरु मानते थे, और भगत सिंह की धारा, इनकी कल्पना एक आज़ाद भारत की लगभग एक जैसी ही थी। यानी वो एक ऐसा मानवीय समाज चाहते थे जिसमें कि हर एक इंसान को इज्जत की ज़िंदगी जीने का मौका मिले और अपनी रोजी रोटी कमाने का मौका मिले। इसके विपरीत एक धारा थी जिसने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, जिसने अंग्रेजों की मुखबरी की और जिसने गांधी की हत्या की, वो धारा आज जो है राजनीति पे हावी है। और जाहिर है कि जिसने अंग्रेजों का साथ दिया वो अंग्रेजों जैसी ही व्यवस्था कायम करेगी, और इसलिए इन धाराओं का महत्व अब और हो गया है। डॉक्टर अंबेडकर की धारा, गांधी की धारा और भगत सिंह की धारा, कि ये धाराएं जिस तरह से इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, अब हमें ये जो दोबारा हमें गुलाम बनाया जा रहा है कंपनियों का फांसीवादी राजनीति के सहारे, इस राजनीति से हम फिर दोबारा इस देश की जनता को छुटकारा दिलाने के लिए एक दूसरी लड़ाई अब शुरू करें। तो मुझे इतना ही कहना है। सही बात का संदीप जी ने इस तरह से अभी किसान बिल पे बात कहा आपने, गांधी जी का पूरा सत्याग्रह, ठीक इसी तरह से भगत सिंह पे जब हम लोग बात कर रहे हैं तो पूरा जब रौलट एक्ट आया था, रौलट एक्ट के बाद जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था और उसके बाद पूरा देश में एक पूरा माहौल बना, तो जो पूरा दमन के खिलाफ जो अगर देखा जाए तो प्रतिरोध का जो पूरा सिलसिला है वो उसमें गौतम भाई 2 अप्रैल 2018 को जब ST एक्ट कमजोर करने का प्रयास किया गया तो आप जेल गए। उसके बाद जब इस देश में 35 रोस्टर ऑफ सवर्ण आरक्षण जैसे बड़े सवाल आए, जब रिजर्वेशन जो इस देश में अभी प्रतिनिधित्व का सवाल अभी बाकी रह गया है, एक बड़ी जनसंख्या के लिहाज से, नागरिकों के लिहाज से, कि एक बड़ी जनसंख्या को नागरिक ही नहीं मानता, उनकी जनगणना नहीं की जा रही है, उन सवालों को भी लगातार रहे। और इस देश में सबसे मोदी काल में सबसे बड़ा आंदोलन जो कि नागरिकता आंदोलन था, जिसमें एक बड़ी कम्युनिटी जिसको 14% कम्युनिटी जो मुसलमान कम्युनिटी सबसे बड़ी है इसमें आती है, उसके जो नागरिकता पर जब हमला हुआ तो गौतम भाई लगातार रहे। आज हम
इलाकों में भी गए जहां पर उस पूरे आंदोलन को इन्होंने लीड किया, संचालन किया। जब तमाम जो परंपरागत सत्ताधारी पार्टियां थी जो अपने आप को सेक्युलरिज्म का दावा करती थी, वो उनके नेता भी कहते थे नहीं नहीं हम पीछे से हैं, आगे से नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें दिक्कत है, अभी पार्टी का मामला है। और बड़े बड़े नेता, नेताओं के बच्चे चले गए कहीं धरने स्थल पे, तो वो लोग पीछे हट गए, उनको इस बात को इनका माने स्वीकार करने के लिहाज से कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में। ऐसे दौर में भी गौतम भाई खड़े रहे। मुझे लगता है कि ये दौर पूरा दमन के खिलाफ प्रतिरोध की जो पूरी हमारी लड़ाई है और संघर्षों की जो विरासत है इसको आगे ले जाने का जो पूरा दौर है, इसमें हम लोग एकजुट होते हुए बीरपुर को एक मॉडल के रूप में बनाएंगे जो बिहार का एक बड़ा मॉडल बनेगा। अगर गौतम भाई की बात हो तो अगर आप रखेंगे तो बेहतर है, और नहीं तो हम लोग अपने साथियों के साथ फिर अगले सत्याग्रह के एपिसोड में बात करें। यहाँ बस एक ही है अपील कि ये जो चुनाव है, चुनाव आयोग ने भी तय किया है कि एक एक कैंडिडेट 40-40 लाख रुपए खर्च कर सकता है, और पार्टी कितना खर्च कर सकता है उसका कोई लिमिट नहीं है। इस जो पूंजी का पूरा बाढ़ है, जैसे हम लोग गंगा और कोसी के बाढ़ में लपेटे गए हैं, लेकिन चुनाव में जो पूंजी का बाढ़ है तो उस लड़ाई में हम लोग टिके हुए हैं, डटे हुए हैं, मजबूती के साथ डटे हुए हैं। तब तमाम साथी जो यूट्यूब पर और इस लाइव पर देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, हम चाहेंगे कि आप भी अपनी ताकत, चाहे वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, अपने लेखनी से, अपने जुबान से, अपनी कविता से, बीरपुर विधानसभा को आप सब मदद करेंगे। इसी निवेदन के साथ सबकी बात समाप्त। शुक्रिया गौतम भाई। और आंदोलनों के जो तमाम देश में तमाम आंदोलनों में जो तमाम साथी हैं, उनसे भी हमारी अपील है कि आने जो इसके पहले जो तीन आंदोलनों की बड़े बड़ा जिक्र हुआ, तो उस आंदोलनों में बड़े पैमाने पर जनता एक साथ एकजुट हुई और दो दो ढाई ढाई सौ की संख्या में नागरिकता आंदोलन चला, देश में एक साथ चल रहा था, और उसमें लोग एक साथ कंट्रीब्यूट करके इन आंदोलनों को खड़ा किया। आज एक आंदोलन के सिपाही हमारे सच्चे साथी गौतम भाई चुनाव मैदान में है। हमारी तमाम साथियों से अपील है कि वो बीरपुर आए। भी हमारे साथी यूपी से लखनऊ से हमारे साथी शकील कुरैशी साहब, अवधेश भाई, बाकी लाल जी, आदिल भाई और अजीमुशान भाई यहाँ पर आए हैं, और हम लोग लगातार चुनाव प्रचार में ऐसे अनुभवी साथियों के साथ लगातार है। और इसके साथ एक अपील और भी करेंगे कि आप उसी पार्टी के उम्मीदवार गौतम प्रीतम जी को, जो जैसा कि उन्होंने कहा कि 40-40 लाख रुपए मदद करने का, 40-40 लाख रुपया खर्चा कर सकते हैं जो कैंडिडेट, ऐसे में हम इतनी बड़ी हमें पूंजी के तो बड़ा सवाल है, लेकिन हम चाहेंगे कि तमाम जो साथी लोग इसको लाइव को सुन रहे हो और सोशल पार्टी ने इसके लिए कंट्रीब्यूशन के लिहाज से अकाउंट नंबर और पूरा अपील जारी किया है, हम उन साथियों से चाहेंगे कि उसमें कंट्रीब्यूट करें, इस लड़ाई को मजबूत करें, क्योंकि गौतम प्रीतम भाई की चुनाव की लड़ाई नहीं है, ये तमाम साथियों के की लड़ाई है, जिसमें हम लोग को एक साथ एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। शुक्रिया। और ये स्क्रीन पे वो अपील कुछ तो मैं चाहूंगा कि वो साथी लोग उसको देखें, और अगर हम अपने व्हाट्सएप नंबर को या ईमेल नंबर दे देंगे तो हम उसको आपको आप तक भेज भी देंगे, और आप अधिक से अधिक कंट्रीब्यूट करके इस लड़ाई को और मजबूत। शुक्रिया जी। मैं भी ये चाहूंगा कि ये जो अकाउंट नंबर दिए गए हैं, एक गौतम कुमार प्रीतम का निजी अकाउंट है जो चुनाव लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और सोशलिस्ट पार्टी का जो अकाउंट है लखनऊ में वो भी दिया गया है। तो आप जिस अकाउंट में भी आप गौतम कुमार प्रीतम के चुनाव लड़ने के लिए आप उनकी मदद करना चाहें, आर्थिक मदद, कृपया करें। एकदम सही समय है, क्योंकि अब से सिर्फ 15 दिन रह गए हैं। क्यों गौतम भाई? फायदे से कहें तो 10-12 दिन है, क्योंकि अच्छा, आज 19 तारीख संपन्न हो गया, कल 20 है, और 1 तारीख तक प्रचार होगा, 2 को प्रचार बंद हो जाएगा और 3 को वोटिंग। हाँ हाँ, तो बहुत कम समय है 10-12 दिन का। चुनाव का आपका प्रतीक क्या है, क्या चिन्ह मिला है आपको? चुनाव चिन्ह बैटरी टॉर्च, टॉर्च जो होता है। अच्छा, टॉर्च है। तो पिछले वर्ष भी
जी टॉर्च चुनाव चिन्ह पे वो लड़ रहे हैं, और पिछली बार भी लड़े थे। हमारी डॉक्टर सुचिता कुमार जो सीतापुर में लड़ती हैं वो भी टॉर्च के सिंबल पे ही लड़ती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो टॉर्च सिंबल पे गौतम कुमार जी का समर्थन करने के लिए बिहपुर विधानसभा से कृपा करके इस अकाउंट नंबर में जो भी आप सहयोग कर सकें छोटा बड़ा उसको करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि ये आप सिर्फ गौतम कुमार प्रीतम की मदद नहीं करेंगे बल्कि बिहार की और ख़ास करके उनके इलाके की जो वंचित जनता है, अपने अधिकारों से वंचित है, उसकी आवाज़ है गौतम। उनकी आवाज़ को बिहार की विधानसभा में पहुंचाने के लिए, भारतीय राजनीति के चरित्र को बदलने के लिए और पूरी दिशा को जनता की तरफ मोड़ने के लिए आप मदद करेंगे अगर आप गौतम कुमार प्रीतम की मदद करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।